अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाने की रेसिपी। और मटन पुलाव की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूं। तो सबसे पहले मैंने मटन लिया था, आधा किलो मैंने मटन लिया था, हड्डी वाला और गुदे वाली जो हड्डी होती है उसका मैंने पोर्शन लिया था। कुछ बोटी वाला पोर्शन था उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और पानी में थोड़ा सा नमक और ज़ीरा डाल के, मतलब जो हमारे पास साबुत गर्म मसाला होता है वो डाल के मैंने उसको बॉयल कर लिया था। तो गोश्त जो है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका हुआ, मैंने उसको रख दिया है साइड पे। अब यहाँ पे मैंने प्यारा सा एक पॉट लिया है, उसमें मैंने बनाना है जी पुलाव का मसाला। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब ऑयल डाला है। चावल बनाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करें बनाने के लिए आपने कम नहीं डालना, आपने उसको अच्छी अमाउंट में डालना है चावल के हिसाब से, ताकि आपके चावल जो है ना वो ड्राई ना हो। फिर उसमें डालें हमने जी दो मीडियम साइज़ के प्याज और उनको अच्छी तरह से आपने ब्राउन कर लेना। अब यहाँ पे देखें अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर इसका चेंज हो चुका था, तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें तेज़पत्ता और थोड़ा सा साबुत जो ज़ीरा है वो मैं साबुत ज़ीरा, काली मिर्च और ये सारे गरम मसाले जो है मैं इस पॉइंट पर डाल दूँगी। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून मैंने ये डाले हैं। और प्याज का गला आप देख सकते हैं लाइट सा ब्राउन होना चाहिए, इस पॉइंट पर आपने डालना है। और इसी पॉइंट पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद आपने अच्छे से इसको चलाना है चम्मच, और जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा मेल्ट हो जाएगा इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छा से मेल्ट हो जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा सा टेस्ट इसका आ जाएगा। और उसके बाद जब अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो उसके बाद हम इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है और बहुत प्यारा सा कलर भी आ चुका है मसाले के ऊपर। और यहाँ पे ये फुल डन हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने इतना सा कलर आपने इसको ब्राउन करना है। अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है कलर पुलाव के लिए। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया हुआ था, और वो भी साथ अच्छे से ब्राउन हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं जी ऑलमोस्ट 1.5 कप के करीब टमाटो चॉप किए हुए। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पुलाव में चॉप किए हुए टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। आपने टमाटर के साथ भी थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है, और उसके बाद आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाएँ। तो यहाँ पे टमाटर के साथ थोड़ी देर मैंने इसको अच्छे से चम्मच चला लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दूँगी, और उसको मैं कवर करके पकाऊँगी ताकि अच्छे से टमाटर जो है ना वो मेल्ट हो जाएँ। और यहाँ पे देखिए जब मैंने इसका कवर हटाया था तो ये देखिए सारे का सारा जो है ना टमाटर बड़े अच्छे से नरम हो चुके थे। इनको आपने अच्छे से मसल लेना है ताकि ये पुलाव के मसाले में अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए, नज़र नहीं आए टमाटर बहुत ज़्यादा चावलों में। तो उसको आपने अच्छे से मसल लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो मसालों में मैंने इसमें नमक ऐड किया है, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है चावल के हिसाब में। बाद में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है जी लाल मिर्चों का पाउडर। और बाकी जो मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी वो है जी बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसलिए बाकी मसाले मैंने इसमें कम ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं मसाले। अब मसाले डाल के भी आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है इसकी, आपने बड़े अच्छे से चम्मच चलाना है इसका। कम से कम आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ भुनाई करनी है। साथ साथ टमाटर को मैं मस रही थी, टमाटर अच्छे से नरम हो जाएंगे और ये सारे का सारा अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं बस इसमें बॉयल किया हुआ गोश्त डाल दूँगी और उसकी आप भुनाई कर लेंगे। अगर आप ने बॉयल नहीं किया हुआ तो आपने इस पॉइंट पे गोश्त ऐड करना है, और उसके बाद आपने उसको पानी डाल के जितने में वो गल जाए उसको गला लेना है। तो यहाँ पे बस मैंने गोश्त डाल दिया, इसको आपने अच्छे से भुनना है। इसको मैं कम से कम 8 से 10 मिनट में इसकी भुनाई कर लूँगी मसाले के साथ। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे गोश्त की कीमे की, उतना ही अच्छा आपका सालन तैयार होता है, उतना ही मज़ेदार सालन तैयार होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसकी बुनाई कर रही थी, साथ साथ मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि जो चिकन गोश्त का जो थोड़ा सा कच्चापन है, मतलब जो मैंने इसको 95% तक कुक किया था, वो भी इसका दूर हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल डन हो जाएगा। उसके अलावा सारे जो मसालों का टेस्ट है वो अच्छा से इसमें आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है, बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना पुलाव का मसाला मेरा रेडी हो चुका है। तो गोश्त की आपने कम से कम भी भुनाई करनी है, ऑलमोस्ट जो है ना आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए लाजमी भूनना है। उसके बाद आपने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखें बड़े अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी थी, मसाले ने सारे का सारा ऑयल छोड़ दिया था। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी जो यखनी मैंने अलग से रखी हुई थी वो सारी मैं इसमें डाल दूँगी। ऑलमोस्ट यखनी पूरी हो गई थी, मतलब चावल के हिसाब से जो पानी मैंने डालना था वो पूरा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए जी 3 सब्ज़ मिर्चें, और ये इस पॉइंट पे आप इसमें डाल दें, ये अच्छे से स्टीम हो जाती हैं इस पॉइंट पे। और थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी जितनी देर में पानी में बॉयल आ जाता है, और उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा बॉयल आ चुका था पानी में, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पहले से भिगो के रखे हुए थे, ऑलमोस्ट आधा घंटा इनको हो चुका था। इस पॉइंट पर मैं इसमें चावल डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर पकाऊँगी।
ऑलमोस्ट आपने इसको पकाना है कम से कम भी 2 से 3 मिनट, तो उतनी देर में चावलों को अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। जब चावलों में बॉयल आ जाए तो उसके बाद आप इसको कवर करके पकाएं, तो चावल ना बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें चावल डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, उसके बाद मैं इसको बॉयल आने दूँगी, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कवर करके पकाऊँगी। तो जब ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो जाएगा चावलों का, तो उस पॉइंट पे आपने इसको दम दे देना है। तो यहाँ पे देखिए चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया था, इस पॉइंट पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके बनाया है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल दम के करीब हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह से आप देख लें कि ये पॉइंट होता है जिसमें आपने इसका दम लगाना। थोड़ा सा पानी इसका थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई होगा तो उसमें को मैं दम लगा दूँगी ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट के बाद। और साथ मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, इसको मैं उठा के तवे के ऊपर मैंने इसको दम दे देना है 15 मिनट्स का। और पुलाव यहाँ पर मेरा बिल्कुल रेडी था। इसको अब डिश आउट करते हैं और मैं आपको शो कर कि ये किस तरह से मेरा पुलाव बना है। तो ये है जी मेरे पुलाव के फाइनल लुक, और आपने इसको कम से कम भी 2 से 3 मिनट के बाद डिश आउट करना है। और क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो उनके टूटने का होता है कि वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना मज़ेदार सा ये पुलाव बना है, बिल्कुल चावल खिले खिले से हैं। वरना ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि हमारे पुलाव के चावल जुड़ जाते हैं, और ये देखिए कितने मज़ेदार से चावल बने हैं। बस अपने रेसिपी को फॉलो करना है, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव मेरा हो चुका है रेडी, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक शो करती हूँ कि ये किस तरह से बना है। आप इसकी चावल देख सकते हैं, चावल की कितनी अच्छी लंबाई इसकी हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से ये खिले खिले से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये पुलाव बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बगलाई स्पेशल ये रेसिपी है। अपने ईद पे ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं और एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव है, बहुत इजी बनने वाला है। आप गोश्त को अगर बॉईल करके रख दें, आप किसी भी टाइम पे इसको पका सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाला है, और ये देखें कितना टेंडर और जूसी इसका गोश्त भी है, बिल्कुल अच्छा सा गला हुआ। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।